या टुडे आई हैव सम न्यू वर्ड्स, लिटरेरी टर्म्स का कुछ न्यू वर्ड्स है जो मैं बात कर रहा था। एलिग्री तक मैंने बात किया था, तो एलिग्री के टाइप्स हैं, या इसके अलावा कुछ वर्ड्स जैसे फेबल है, एग्जेम्पलम है, पैरेबल है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो जस्ट शेयरिंग विद यू वाइट बोर्ड एंड यू विल कम हियर। तो टुडे आई विल टेक सम न्यू वर्ड्स, कुछ और नए वर्ड्स को लेकर के हम बात करेंगे, जिसमें से एक वर्ड है आपका वर्ड दैट इज़ द एलिगोरिकल इमेजरी। एक शब्द है, लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, दैट इज़ द एलिगोरिकल इमेजरी, ALLEGORICAL, एलिगोरिकल इमेजरी, एलिगोरिकल इमेजरी। वेन वी टॉक अबाउट एलिगोरिकल इमेजरी, और अगर आपको याद होगा इसके पहले आई टोल्ड यू अबाउट एलिग्री, दो अलग अलग शब्द हैं, एलिगोरिकल इमेजरी एंड एलिग्री, दोनों अलग हैं। और जो एलिगोरिकल इमेजरी है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, द पर्सनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटिटी। सबसे पहला पॉइंट कि इन एलिगोरिकल इमेजरी वी फाइंड द पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज, ENTITIES, हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन इन शॉर्ट पैसेजेस, हु परफॉर्म PERFORM, हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन, अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन, एलिगोरिकल एक्शन इन शॉर्ट पैसेजेस, इन शॉर्ट पैसेजेस, PASSAGES, इन शॉर्ट पैसेजेस। सो हियर यू आर गेटिंग कि एक पॉइंट मैंने आपको लिखा, एंड आई विल टेल यू कुछ एग्जाम्पल्स उसका, एग्जाम्पल ग्रेसिया या एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में क्या है। ओपनिंग लाइन्स ऑफ मिल्टन्स एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो, ओपनिंग लाइन्स ऑफ जॉन मिल्टन्स MILTON, जॉन मिल्टन्स एल एलिग्रो। ये वैसे भी इसका डेट भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि एल एलिग्रो किसने लिखा है, ALEGRO होना चाहिए, ही शुड बी RO, एल एलिग्रो, ALEGRO, एंड ILPENSIROSO, सी रोजो, दिस इज द पॉइंट, एल एलिग्रो एंड ILPENSIROSO। ये दोनों जो बुक है इनका 1645 में आई है, एल एलिग्रो एंड ILPENSIROSO, जो डेट एम एच एब्राम्स ने दिया हुआ है, 1645 का दिया हुआ है। बट समटाइम्स आई फाउंड कि ये हार्टन पोएम्स का हिस्सा है, इट्स द पार्ट ऑफ हार्टन पोएम्स, क्योंकि हार्टन नाम की जगह पे रुक करके ही उन्होंने इसको लिखा हुआ था। तो एक चीज़ ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ कि एक पोएटिक डिक्शन के रूप में भी मिड 18वीं सेंचुरी में इसका यूज़ किया गया है, ख़ास करके थॉमस ग्रे
जो एल जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है वहाँ पर, तो वहाँ से एक लाइन मैं कोट करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो एक एग्जाम्पल के रूप में होगा, और वो क्या है, कैन सेकेंड एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। पहली लाइन में है कैन ऑनर्स वाइस, HONO URS, वॉइस VOIC, कैन ऑनर्स वाइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, प्रोवोक द साइलेंट डस्ट SILENT। दूसरा है आर फ्लैटरी, आर फ्लैटरी, आर फ्लैटरी सूद, सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, द डल कोल्ड ईयर, ईयर ऑफ डेथ, ऑफ डेथ। सो दीज आर द टू। इशरत इज सेइंग कि वॉइस स्लो है। अब इशरत आवाज मेरी जा रही है, या आप में से कोई भी, यू कैन लीव कमेंट हियर। अरे सर पहले से सर पहले से ओके ओके ओके। ये कहाँ से लिया गया है, नोट करके, इट हैज़ बीन टेकन, इट हैज़ बीन टेकन, फ्रॉम एल जी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, टॉमस ग्रेस, ग्रेस ELEGY, एल जी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, कंट्री चर्च यार्ड, CHURCH YARD। सो दिस इज द पॉइंट। अब मुझे लेट मी एक्सप्लेन। और ये कब आया हुआ है, इसका जो पब्लिशिंग डेट है 1751। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एल जी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टरल एल जी, किसने लिखा, टॉमस ग्रे ने लिखा। टॉमस ग्रे प्री रोमांटिक एज के पोएट्स है। कब पब्लिश हुआ, 1751 में। तो ये सब कॉमन पॉइंट्स है, ये सब अपनी जगह है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि एलिगोरिकल इमेजरी क्या होती है, इसको लेकर के मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया है विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मैंने जो टॉपिक लिया है वो मैंने क्या लिया है, एलिगोरिकल इमेजरी। इसके पहले मैंने आपको बताया था एलिग्री क्या है, तो उस एलिग्री में एक शब्द जुड़ा, इमेजरी जुड़ा। तो इमेजरी से पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूँ, इमेजरी का या इमेज का जो मतलब होता है, वर्ड पिक्चर होता है सिंपल सा भाषा में, कि अगर किसी शब्द का आप नाम लेते हैं तो उसकी एक तस्वीर आपकी आँखों के सामने बन करके आती है, चाहे वह तस्वीर जो है कंक्रीट फॉर्म में हो या एक आइडिया की शक्ल में हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आता है। एक जब वो कंक्रीट होता है तो ये समझ में आता है कि हाँ उसका एक शेप है, एक डिज़ाइन है, इतना वो मोटा पतला, इस तरह से चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्पायरो, तो स्पायरो जब मैं नाम लूँगा तो आपको बर्ड का पूरा जो है साइकिल आएगा, उस साइकिल में से आपको स्पायरो नज़र आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं स्पायरो का नाम लूँगा तो आपके दिमाग में पैरट का इमेज बनेगा, आपके दिमाग में क्रो का इमेज बनेगा, आपके दिमाग में कुकू का इमेज बनेगा। सीधे जो है स्पायरो का नाम लेने पर वही स्पायरो बर्ड का इमेज आपके माइंड में आएगा, जबकि स्पायरो मैंने नाम लिया, मैंने स्पायरो का चित्र नहीं बनाया, आई हैव ओनली टेकन द नेम ऑफ स्पायरो। तो जो स्पायरो है ये एक शब्द है, लेकिन इस शब्द को नाम, इस शब्द का नाम लेते ही एक इमेज बना। ऐसा क्यों बना, इसलिए बना कि आपको वर्बल और ओरल, वर्बल और ओरल दोनों माध्यम से चीज़ों को क्या किया गया है, लोअर केजी से पढ़ाया गया है। तो अब आपको ये पता है कि स्पायरो इज़ अ बर्ड, स्पायरो एक जो बर्ड है वो एक स्पेसिफिक बर्ड उसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको इमेज बता दिया कि इमेज क्या होता है, एक वर्ड पिक्चर होता है। फिर मैंने एक डिफिनीशन दिया कि
कि जो एलिगोरिकल इमेजरी होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द परसोनिफिकेशन। ये पॉइंट आपको नोट करना है, किसका परसोनिफिकेशन। एलिगोरिकल इमेजरी में चीजों को परसोनिफाई किया जाता है, किसका परसोनिफिकेशन, द परसोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज। जो एब्स्ट्रैक्ट विचार है, जो आइडिया आपका होता है, जो थॉट आपका होता है, वह तो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे आप दो शब्दों को समझिए, ऑलरेडी आप उसे जानते हैं, मैं कोई ऐसा नई की नई चीज़ बता रहा हूँ। जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो कंक्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। जो कंक्रीट होता है वह उसको हम हिंदी में कहते हैं मूर्त, एब्स्ट्रैक्ट को हम हिंदी में कहते हैं अमूर्त। जब आप मूर्त वर्ड यूज करते हैं या कंक्रीट वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स दैट कि उसका एक एक आप कह सकते हैं वह एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगा। कोई भी कंक्रीट चीज़ एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगी, कोई भी कंक्रीट चीज़ एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगी। इफ़ यू से टेबल, तो टेबल कंक्रीट है, वह एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा। टेबल का एक लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, उसका थिकनेस होगा, उसका एक इमेज बन करके आता है, वो कितनी जगह घेरेगा, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। बट वेन यू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, यू कम टू नो कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है यह क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट यू फाइंड कि यह जो है एक आइडिया होता है, लेकिन जब उस आइडिया को पर्सनिफाइड कर दिया जाएगा तो वह भी कंक्रीट पे तब्दील हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग, मौत ने अपना बर्फीला हाथ राजा के ऊपर रखा, तो हमें पता है कि जो डेथ है यह एक आइडिया है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, या एक कोई उसका वो नहीं, लेकिन मौत ने अपना बर्फीला हाथ राजा के ऊपर रखा, इसका मतलब डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया, एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन जो एलिगोरिकल इमेजरी होती है उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट इमेज होगा वह एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी जो होती, जो जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो थॉट होगा वह थॉट एक तरह से कंक्रीट होगा, वह जो है पर्सनिफाइड किया जाएगा, और वह जो किसके जैसा बिहेव करेगा, ह्यूमन बीइंग्स जैसा या ह्यूमन जैसा बिहेव करेगा। तो उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन, जो कि क्या परफॉर्म करता है, ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन परफॉर्म करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिगोरिकल एक्शन, एलिगोरिकल एक्शन वह एक्शन होता है कि इट अल्टीमेटली बिहेव्स लाइक ह्यूमन, और साथ ही साथ वह क्या करेगा, दो स्टोरीज को लेकर के चलेगा। एलिगोरिकल जो है एक स्टोरी के फॉर्म में होगा, तो एक तो सबसे पहला चीज किया किया गया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज होता है उस एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज को पर्सोनिफाइड किया जाता है, नंबर वन पॉइंट। और जिसे पर्सोनिफाइड किया जाएगा वह परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन करेगा, जैसे जो है इन शार्ट पैसेज, किसी शार्ट पैसेजेस वगैरह में। एग्जांपल, ओपनिंग लाइंस ऑफ जॉन मिल्टन एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोसो, जो ओपनिंग लाइंस जॉन मिल्टन का है एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोसो, उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया। लेकिन ठीक है, ये तो आपको समझना चाहिए कि ओपनिंग लाइंस जो जॉन मिल्टन का एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोसो है वह एलिगोरिकल इमेजरी उसमें है या एलिगोरिकल वर्क का है वो। उसके बाद मैंने आपको समझने के लिए क्या किया है, एक लाइन लिया है, और वो लाइन कहाँ से है, एल जी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें सी साफ साफ क्या बात बताया गया है कि कैन ऑनर्स वाइस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑनर जो है यह एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है, जस्ट रिस्पॉन्ड बी। एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ऑनर्स वाइस, जो ऑनर्स का वाइस है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑनर को यहाँ पर जो है पर्सनिफाइड किया गया है। वाइस किसका होता है, जो लिविंग होगा उसी का होगा। यस सर, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑनर्स को क्या कर दिया गया, ऑनर्स एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट को पर्सनिफाइड किया गया। कैसे पता चला, चूंकि ऑनर्स के लिए जो सम्मान की आवाज़ है, सम्मान की आवाज़ क्या होती है, आवाज़ उसी का होगा जो लिविंग होगा। करें कि क्या सम्मान की आवाज़ प्रोवोक कर सकती है किसको, द साइलेंट डस्ट, द साइलेंट डस्ट जो कि धूल में चुपचाप सने हुए हैं या धूल में चुपचाप दबे हुए हैं। एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी कि आर फ्लैटरी सूद
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्लैटरी भी यहाँ पे, फ्लैटरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट है, तो फ्लैटरी को भी यहाँ पे क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया, क्यों, चूंकि क्या फ्लैटरी सूद कर सकती, द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, क्या जो फ्लैटरी है, क्या जो चापलूसी है, यह जो क्या कर सकती, द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, जो डेथ है क्या उसके जो डल और कोल्ड ईयर है, क्या उसको वह सूद कर सकती है, क्या उसको वह अट्रैक्ट कर सकती है, क्या उससे वह कुछ कह सकती है। इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या किया गया है, फ्लैटरी आपका एब्स्ट्रैक्ट है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया, नंबर वन पॉइंट। इसके अलावा ऑनर्स आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको आपको क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया। अब पर्सोनिफाइड करने के बाद एक चीज था कि वो एलिगोरिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे एलिगोरिकल एक्शन क्या है, ऑनर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वह किसके जैसा बिहेव कर रहा है, वह जो है ह्यूमन एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। जब वो ह्यूमन एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है तो क्या दिखाया गया कि क्या उसकी आवाज़ जो है क्या कर सकती है, जो लोग साइलेंट डस्ट में है उनको जगा सकती है, तो जगाने का काम कौन करता है, जो लिविंग होगा। लेकिन यहाँ पे किसके थ्रू जगाने की बात कर रहे हैं, ऑनर्स के वाइस के थ्रू। इसी तरह से जो है फ्लैटरी को लेकर के इसमें यहाँ पे चीज़ें कही गई हैं। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब जो है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज को पर्सोनिफाइड किया जाएगा, जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, जो एक थॉट की शक्ल में है, आइडिया की शक्ल में है, उसको जो है पर्सोनिफाइड किया जाता है, और यह ह्यूमन जैसा बिहेव करता है, तब चीज़ें क्या होती है, और साथ ही साथ वह एलिगोरिकल एक्शन जो है कुछ परफॉर्म करता है, और वह एलिगोरिकल एक्शन क्या है, कौन सा, कि वो कुछ ना कुछ जैसे जो है एक तरह से जगाने का, साइलेंट डेथ को करने के लिए, तो उसके लिए वह काम कर रहा है। तो क्या ये संभव है, नो डॉट एट ऑल। फिर मैंने आपको बताया कि इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एल जी रिटेन टॉमस ग्रेज, एल जी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड, यहाँ से 1751 में। तो ये दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज को पर्सनिफाइड किया जाता है, और जो पर्सनिफाइड होगा वह एलिगोरिकल एक्शन उसमें परफॉर्मेंस उसका दिखाया जाता है। आई थिंक यू गॉट इट। यस सर, सर यस सर, वन क्वेश्चन हियर सर, सर, वन क्वेश्चन हियर, या प्लीज एक्सप्लेन द पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन, या प्लीज एक्सप्लेन पोएटिक डिक्शन, पोएटिक डिक्शन, पोएटिक 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 डिक्शन। यस सर ओके ओके, सो यू गॉट दीज टू पॉइंट्स। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना था। अब एक चीज़ आया हुआ है कि हमारे पास कि हम जो है क्या करें, हम एक्सप्लेन कर दें पोएटिक डिक्शन, वो भी टर्म का हिस्सा है, मैं यहीं पे उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म इज POETIC, पोएटिक डिक्शन, DICTIO। दिस पोएटिक डिक्शन इट रिफर्स टू वर्ड्स, सबसे पहला पॉइंट इसका है कि पोएटिक डिक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, SELECTION, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वेन यू टॉक अबाउट पोएटिक इट मीन्स दैट कि टू कंपोज द पोएम विच टाइप ऑफ वर्ड अ पोएट सिलेक्ट्स। दूसरा पॉइंट की कॉन्सेप्ट ऑफ जो पोएटिक डिक्शन है, इट वाज गिवन बाय हुम, इट वाज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ, इट वाज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ, इट वाज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ इन इट वाज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ इन इट वॉज गिवेन बाई वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। सेवेंटीन 98 प्रीफेस टू लिरिकल बैलर, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलर, सॉरी नॉट 79, 1800, 1798 में तो आया, 1800, 1800। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तीसरा,
वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ इम्फेसाइज्ड EMPHASIZE इम्फेसाइज्ड अपॉन the use of upon the use of rustic people and rustic language rustic people and rustic language. सो यू फाइंड दीज टू पॉइंट्स कि अगर आपको याद होगा तो ये चीज़ें रही है. आई डोंट नो कि हु सेड कि आई हैव टू टॉक अबाउट पोइटिक डिक्शन. तो नेक्स्ट टर्म जो मैंने लिया वह कौन सा टर्म मैंने लिया, पोइटिक डिक्शन का. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि वट इज़ डिक्शन. डिक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. केवल डिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पोइटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का वट यू मीन बाई सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इट रिफर्स टू कि वट टाइप ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू बी यूज इन पोइट्री, वट टाइप ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू बी यूज टू कम्पोज द पोएम. सो जो पोइटिक डिक्शन है इट रिफर्स टू वट, इट रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड इट रिफर्स टू वट, इट रिफर्स टू कि पोइटिक डिक्शन जो है ये एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को रिफर करता है और किस तरह के वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाएगा टू कंपोज द पोएम. देन वी फाइंड कि इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया. किस में दिया गया, प्रीफेस टू लिरिकल मैनर. एक कॉमन क्वेश्चन बनता है प्रीफेस टू लिरिकल मैनर. जब उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि वर्ड्सवर्थ इम्फेसाइज अपॉन द यूज ऑफ रस्टिक पीपल एंड रस्टिक लैंग्वेज. उनका कहना था कि पोइट्री या पोएम जब लिखा जा रहा है तो उसमें ग्रामीण अंचल की बात की जाए और ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो भाषा होती है सिंपल लैंग्वेज, उस भाषा का यूज़ किया जाए. तो कॉलेज ने इस पर ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज रस्टिक लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं. तो हम ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते कि रस्टिक लैंग्वेज. वहाँ क्या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि सोसाइटी का या क्लास का जो डिवीज़न है एरिस्टोक्रेटिक है, अपर क्लास है या जो है लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, इस आधार पे तो लैंग्वेज हो सकता है. बट वी कांट से कि रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल हो सकते हैं गांव में, लेकिन जो रस्टिक पीपल है उनमें भी बहुत सोफिस्टिकेटेड एक गांव में रहने वाले हो सकते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज अलग हो सकती है. तो दीज थिंग्स यू फाइंड. तो ये चीज़ें. दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ बताना चाहता हूँ. जब भी डिक्शन की बात होती है, जब भी हम डिक्शन की बात करते हैं, अगर M.H. Abrams का या किसी और का हम किताब खोल करके देखेंगे तो मैंने डिफिनेशन पहले ही बता दिया, लेकिन ये कहा जाता है कि इट हैज़ टू टाइप्स. ये दो जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, रूरल RURAL रूरल डिक्शन. जो रूरल डिक्शन है, रूरल डिक्शन इट रिफर्स टू वट, रूरल डिक्शन इट रिफर्स टू यू कैन से कि जो हम सिंपल लैंग्वेज, इफ आई से रूरल डिक्शन का मतलब कि सिंपल लैंग्वेज. अब कैसे ये यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिसको समझने के लिए हमें डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े. तो एक तरह का जो टाइप होता है डिक्शन का वो क्या होता है, रूरल डिक्शन होता है. दूसरा जो टाइप बताया गया वो बताया गया अर्बन डिक्शन, URBAN अर्बन डिक्शन. जो ये अर्बन डिक्शन है इसके बारे में कहा गया कि आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, या आप ये कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज के अलावा अगर हम यूज़ करें कि वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या ऐसा लैंग्वेज. अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था फिगुरेटिव लैंग्वेज है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, या ऐसा लैंग्वेज जिसमें एल्यूजन. तो कुल मिला करके मैं ये बात कर दूं कि अगर हम जो है फिगुरेटिव मेटाफोरिकल मेटाफोरिकल एल्यूजिव एंड एल्यूजिव एंड
रिफरेंशियल, रिफरेंशियल लैंग्वेज, जिसमें अगर हम मिथ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या और चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें होगी। तो आप अगर देखा जाए कि अर्बन डिक्शन आया, तो अर्बन डिक्शन में है फिगुरेटिव हो गया, मेटाफोरिकल हो गया, एल्यूसिव हो गया, रिफरेंशियल लैंग्वेज हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। अब इसका उदाहरण कैसे समझा जा सकता है, टी एस एलियट हो गए, डब्ल्यू बी येट्स हो गए, मॉडर्न एज के और जो पोयर्स हो गए, उन सब की लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आपको अर्बन डिक्शन नज़र आएगा। इवन जो ग्रांड स्टाइल होती है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रांड स्टाइल वॉज गिवन बाई जॉन मिल्टन ने यूज़ किया था, लेकिन उस पर बाद जो किया गया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया था। तो जो ग्रांड स्टाइल होगा वो भी किस डिक्शन में आएगा, अर्बन डिक्शन में आएगा। लेकिन अगर हम ऐसी पोएम्स का नाम लें, जैसे अगर आपको याद होगा विलियम ब्लेक का पोएम है द लैम, लैम हु मेड दी डैश दाउ नो हु मेड दी गेव द लाइफ एंड बीट द फीड बाई द स्टीम एंड ओवर द बीट गेव दी सच अ टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वेल्स रिजवाइस। अगर उस लिरिक को आप पढ़ेंगे, या नर्सेस सांग करके विलियम ब्लेक का एक पोएम रहा है, या जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स रही है जो काफ़ी, जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का शुरू वाला लाइन, बाद में उन्होंने कुछ उसमें एग्जांपल्स दिए हुए मिथिकल कैरेक्टर्स नीचे वाले में, वहाँ पे डिक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन शुरू में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की लेट एंड सून स्पेंडिंग एंड अर्निंग जो भी उनका कॉन्सेप्ट था, या 3 years शी ग्रीव का बात अगर हम करें, या अगर हम बात करें द सॉलिटरी रीपर का हो गया, डैफोडिल का हो गया, कुकू हो गया, जो उनके शार्ट लिरिक्स है, उन सब में जो लैंग्वेज है बहुत ही आप कह सकते हैं सिंपल है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, देर इज़ नो नीड टू यूज़ डिक्शनरी। हाँ, उसका थोड़ा सा सेंस किसी किसी जगह फिलोसफिकल हो सकता है, लेकिन टी एस एलियट का द वेस्ट लैंड जो है विदाउट यूजिंग डिक्शनरी, विदाउट नोइंग रिफरेंसेज, विदाउट नोइंग द यूज ऑफ मीथ एल्यूजन एंड सो मेनी थिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव ही नहीं उसको हम समझ सकें। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जब आप डिक्शन की बात करते हैं तो डिक्शन में अर्बन डिक्शन, डिक्शन में रूरल डिक्शन, और अर्बन डिक्शन का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ फिगुरेटिव लैंग्वेज, मेटाफोरिकल लैंग्वेज, एल्यूजिव होता है, रिफरेंशियल लैंग्वेज होता है, मिथ का यूज़ किया जाता है उसमें, मिथ के यूज़ के अलावा जो है आप कह सकते हैं कि रिफरेंसेस होते हैं, इमेज हो गया, सिंबल हो गया, एंड वेरियस अदर इज ऑफ दीज थिंग्स यू फाइंड उसमें जो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉडर्न एज के ज़्यादातर राइटर्स वो इसी का यूज़ करते हैं, बाकी उसका मैंने बताया। तो किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर, गॉट इट वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कुछ ऐसे वर्क है जो आपको नोट करना पड़ेगा, जो किस कैटेगरी में आते हैं, जो एलिगोरिकल वर्क है, उन एलिगोरिकल वर्क को आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद जो है हम लोग और आगे बात करेंगे। अ लिस्ट ऑफ एलिगोरिकल वर्क्स, अ लिस्ट ऑफ एलिगोरिकल वर्क्स कौन कौन से है, पहले में ही मैं नाम भी लिखता चल रहा हूँ ऑथर का और उनका वो। सबसे पहला जो अगर आपको याद होगा कि जो एवरी मैन जो ड्रामा है वो किसका है? वो एलिगोरिकल वर्क है, एवरी मैन, EVER, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, एवरी मैन। इसके आथर का कोई नाम नहीं है, पता नहीं है। एन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले इज एन एलिगोरिकल वर्क, इज एन एलिगोरिकल वर्क। इज एन एलिगोरिकल वर्क नंबर वन। नंबर टू, एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन, EDSER, द फेरी क्वीन, FAER
R.I.E. द फेरी क्वीन। 1590 से 1596। छानबे तीसरा जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, JONATHAN, जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल, GULLIVERS, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। 1726 नेक्स्ट कीट्स ओड टू ऑटम, चौथा पोयम वर्क, प्रोज वर्क दोनों, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम, ओ टू आटम, AUTUMN, ओ टू आटम। 1820 नेक्स्ट विलियम कॉलिंस, पांचवा विलियम कॉलिंस, IN विलियम कॉलिंस, COLLINS। 1 ऑफ द पोएटिकल कैरेक्टर ETICAL, CTER, वोट ऑन द पोएटिकल कैरेक्टर। 1747 नेक्स्ट छठा दांतेज डिवाइन कॉमेडी, सातवां चासर्स हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ फेम। आठवां गेटेस फास्ट, ETH, गेटेस फास्ट, FAUST। शेलीज प्रोमिथस अनबाउंड, शेलीज प्रोमिथस अनबाउंड, THEUS, अनबाउंड, BOUND। नेक्स्ट हार्डीज द डाइनेस्ट, हार्डीज, थॉमस हार्डीज, द डाइनेस्ट, दीज आर द पॉइंट, दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रिमेम्बर। चौसर्स हाउस ऑफ फेम, विलियम लैंगलर्स, पायस प्लाउमैन, ये रहा हुआ विलियम लैंगलर्स, पायस प्लाउमैन। MAN
इतना सारा वर्क राइट, डिड यू गेट इट? ये सब के सब वर्क एलिगोरिकल वर्क है। हैव यू नोटेड इट? यस सर। ओके ओके। नाउ ये तो इतना चीज़ें रही है। दूसरा चीज़ कि व्हेन वी टॉक अबाउट एलिग्री का डिस्टिंग्विश जो टाइप है वो दो मेन टाइप है। एलिग्री का जो डिस्टिंग्विश है तो वी कैन जस्ट हियर से नेक्स्ट स्लाइड में टू मेन टाइप्स ऑफ एलिग्री, टू मेन टाइप्स ऑफ एलिग्री। एलिग्री का दो मेन टाइप है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल भी ध्यान में रखना है। पहला आपका हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिग्री, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिग्री। ये कब होता है? जब कोई कैरेक्टर या कोई कंटेंट फ्रॉम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री या कोई पॉलिटिकल इवेंट को लेकर के कोई कहानी बताई जाएगी, तब वो क्या होगा? हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एलिग्री होगा। ये चीज़ छोटे में आपको मैंने बता दिया। इसका एक एग्जांपल है जॉन डाइडेंस एब्सालम एंड एची टॉफेल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ई जी एग्जाम्पल ग्रेसिया जॉन ड्राइडेंस, जॉन ड्राइडेंस एब्सालम एंड एची टॉफेल एंड एची टॉफिल ए सी एच आई टी ओ पी एच ई एल। अक्सर करके एवे प्रीवियस में सबको पढ़ने का ये मौका मिलता है। दूसरा है जो दूसरा टाइप है एलिग्री का, उसका द एलिग्री ऑफ आइडियाज, द एलिग्री ऑफ आइडियाज, जिसमें अभी मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज को पर्सनिफाइड कर दिया जाता है, उसी का ही द एलिगरी ऑफ आइडियाज। जो इसमें जो है क्या होगा, कोई भी घटना पॉलिटिकल या जो है हिस्टोरिकल नहीं होगी, बल्कि कोई भी आइडिया होगा जो कि आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है या कोई भी ऐसा थॉट हुआ, उसी को पर्सनिफाइड कर दिया जाता है। कई इसके एग्जाम्पल्स हैं। जॉन बनियाज का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में भी आपको ये देखने को मिलेगा, और भी जगहों पे जॉन मिल्टन्स का जो पैराडाइज लास्ट है बुक सेकेंड में भी ये चीज़ है। तो एक एग्जांपल बनियास, एग्जांपल ग्रेसिया, जॉन बनियास पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पी आई एल जी आर आई एम एपोस्ट्रॉफी एस प्रोग्रेस डबल एस 1600। इसका डेट 1678 है, 1678। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसका डेट प्लस इसका जॉन बनियास पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678, यू हैव टू नोट डाउन। सो यू आल्सो केम टू नो अबाउट व्हाट, यू आल्सो केम टू नो टाइप, टाइप्स ऑफ डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ एलिग्री, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एलिग्री, एंड यू केम टू नो अबाउट व्हाट, यू केम टू नो अबाउट एलिग्री ऑफ आइडियाज। अब उसके अलावा मैंने एलिगोरिकल इमेजरी बताया, पोइटिक डिक्शन का मैंने बताया, कुछ किताबें थी उनका कॉन्सेप्ट लेकर के मैंने आपसे वो जिक्र किया। एक चीज़ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उन छोटे छोटे वर्ड्स को मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है दैट इज़ वर्ड दैट इज़ अ फेबल, ये पूछा जा चुका है। फेबल, फेबल को ही हम एपोलॉज भी कहते हैं, फेबल और एपोलॉग, ए पी ओ एल ओ जी यू ई, जैसे मोनोलॉग वैसे एपोलॉग। अब देखिए फेबल या एपोलॉग क्या होता है, ये जो है एलिग्री का एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या दिखाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिखाया जाता है कि इट इज़ अ शॉर्ट नैरेटिव, इट इज़ अ शॉर्ट नैरेटिव
इट इज अ शॉर्ट नैरेटिव इन प्रोज आर वर्ड्स वर्स मतलब दोनों में कोई छोटी कहानी होगी जो प्रोज में भी हो सकती है और किस में हो सकती है वर्स में भी हो सकती है. दैट एग्जेम्प्लीफाइज EXEMP-LIFIES एग्जेम्प्लीफाइज व्हाट एग्जेम्प्लीफाइज दैट एग्जेम्प्लीफाइज That exemplifies an abstract moral thesis or principle of human behavior. Human behavior. कामा क्या सेमी कोलन ह्यूमन बिहेवियर यूजुअली एट इट्स कंक्लूजन at its conclusion either the narrator or one of the character the character character states the moral in the form of an epigram in the form of an epigram IGRAM. इतना चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर कि हमने जो नया शब्द लिया किया है दैट इज अ फेबल, उसी को और क्या कहा जाता है, एपोलॉग कहा जाता है. नाउ इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ शॉर्ट नैरेटिव, जो एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें एक छोटी सी कहानी बताई जाएगी और यह कहानी प्रोज में होगी और पोइट्री में, किसी में भी हो सकती है कहानी, कविता में भी हो सकती है, गद्य में भी हो सकती है. दैट एग्जेम्प्लीफाइज, जिसमें एक उदाहरण दिया जाता है किसका, एन एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस. एब्स्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कंक्रीट नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस दिया जाएगा और वो जो होगा मॉरल थीसिस, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन उसमें एक नैतिक शिक्षा आपको दी जाएगी. जैसे अगर आपको याद हो कि जो हम लोग फॉक्स का कि फॉक्स ने अंगूर तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो अंगूर तोड़ नहीं पाई तो लास्ट में वो कहती है अंगूर खट्टे हैं, तो इस तरह का जो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस होता है आर प्रिंसिपल या ऐसे कुछ सिद्धांत होंगे जो क्या यूज़ करेगा, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को शो किया जाएगा. ह्यूमन बिहेवियर यूजुअली जो किसको शो करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को सामान्य रूप से शो करता है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही, क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि जो फेबल होगा, जिसको हम एपोलॉग कहते हैं, वह एक छोटी सी कहानी होगी जो प्रोज में होगा या वर्स में होगा, जिसमें एग्जेम्प्लीफाइज किया जाएगा, किसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस का या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का, ऑल दिस थिंग. और यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली एट इट्स जो यूजुअली अगर आप देखेंगे जो एक और पॉइंट है एट इट्स कंक्लूजन, जब इसका कंक्लूजन होगा तो ईदर द नरेटर, कंक्लूजन में दिखाया जाता है या तो जो नरेटर जो कहानी सुनाने वाला है आर वन ऑफ द कैरेक्टर या तो किसी कैरेक्टर के माध्यम से स्टेट्स द मॉरल इन द फॉर्म ऑफ एन एपीग्राम, उसमें जो भी
जो भी आपको स्टेटमेंट लास्ट में दिया जाता है वो किसके माध्यम से दिया जाएगा? मोरल एपिग्राम के माध्यम से। एपिग्राम का क्या होता है? सूक्ति परक वाक्य, शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट वे आप सही। जैसे मैंने अभी कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये जो अंगूर खट्टे हैं यह एक तरह का क्या हुआ, एक नसीहत दी गई। ये किसकी शक्ल में आया? एपिग्राम की शक्ल में आया। या अगर आपको ये कहा गया कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ठीक है, तो एक उदाहरण भी होगा, कोई एक छोटी सी कहानी होगी, और छोटी सी कहानी जब लास्ट में ख़त्म होगी तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वह एक स्टेटमेंट के रूप में आएगा, और वह स्टेटमेंट क्या होगा? एपिग्रामेटिक होगा। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहा जाएगा, और उसमें एक मॉरल एजुकेशन मिलेगा। इफ़ आई से ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, अगर मैं कोई ऐसी कहानी बताऊं और लास्ट में मैं उसमें कहूं कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो ये जो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, केवल हमें यही स्टेटमेंट नहीं देना है, बल्कि इस स्टेटमेंट को देने से पहले इसी से रिलेटेड हमें आपको कोई कहानी सुनानी पड़ेगी। वह कहानी जो है क्या हो सकती है? वह कहानी आपका प्रोज में भी हो सकता है और पोइट्री में भी। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, अगर हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के नाम से एक पोयम चलता था, तो बाद में उस पोयम का जो कंक्लूजन निकलता है उसमें यही बताया जाता है कि एवरी थिंग विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाई गॉड, वेदर दैट इज स्मॉल इन साइज आर लार्ज, इज इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ चाहे जो गॉड ने क्रिएट की है, चाहे वह साइज में छोटी हो बड़ी हो, उस सब का अपना एक महत्व है। तो इस तरह का एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट लास्ट में दिया जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल जो है, इसी का ही, जब यही कहानी किसी जानवर के माध्यम से सुनाई जाती तो उसको क्या कहा जाता है? बीस्ट फेबल कहा जाता है, दैट इज नोन एज बीस्ट फेबल। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको यहाँ पे शेयर किया। मैं यहीं तक ही इसको करूँगा, और कुछ मैं एक शब्द को कल मैं कवर कराऊंगा, और आई हैव डन हियर, जिसमें मैंने कुछ 8-10 जो भी 7-8 पॉइंट्स थे उसको मैंने वो किया। टुमारो जो है मुझे उसको लेना है, जैसे इसी से रिलेटेड है, पैरेबल है, बीस्ट फेबल है, और भी एक दो शब्द है, तो उसको जो है। अब अगर आपका कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। नो डाउट सर। ओके विनोद जी, ओके। एंड आई थिंक कि ब्रजेंद्र जी, विनोद कुमार जी, डॉक्टर यस के जी हैज ज्वाइंड, सुजीत जी एंड सारी। ओके ओके, यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक इन और ग्रुप। ओके।